हेलो फ्रेंड, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो। मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट वैकेंसी के लेके आया हूं जो कि लाइब्रेरी डिपार्टमेंट आई हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो वैकेंसी लेके आए हैं वो आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, यह जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट है NIUM.in। जैसे गूगल में सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैसे आपको शो हो रही है। जैसे हम थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पर, तो इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा जो कि इस तरह कुछ इस तरीके का होगा। मैं PDF ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ये जो वैकेंसी आई है 21 दिसंबर 2019 को आई है। 21st और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2019 एंड इसमें लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आई है आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक आई हुई है। यहाँ थोड़ा नीचे जाके 9 नंबर में देख रहे हैं जैसे आपको शो हो रहा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 पोस्ट अनरिजर्व ऑन डायरेक्ट बेसिस। अगर इसमें पे लेवल की बात करते हैं जो कि यहाँ पर रिवाइज पे लेवल बैंड है तो 9 आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर पे लेवल है 35,400 to 1,02,400 और एस है बिलो 30 ईयर्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए और विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपको। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन मैच करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको 15 नंबर में आपको शो हो रहा होगा जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये 1 पोस्ट है ऑन डायरेक्ट बेसिस अनरिजर्व है तो यहाँ पर भी अच्छा है 19,900 to 63,200 रुपीज़ यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए बात की गई। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट आपको यहाँ पर 28 ईयर्स है एंड आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी इंग्लिश को होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर फीस डिटेल की बात की गई है। फीस डिटेल की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी फॉर ऑल द पोस्ट 2000 जितने भी जो भी आपके जन अनरिजर्व OBC कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट है जिनको 2000 फीस पे करनी होगी एंड 1600 रुपीज़ फॉर SC और ST कैंडिडेट के लिए पे करनी होगी और नो फी फॉर PWD कैंडिडेट। PWD कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं पे करनी होगी। उसमें ये जो वैकेंसी है ये डिपुटेशन यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट एज वेल फॉर डिपुटेशन पोस्ट। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसी में डिफरेंट डिपुटेशन पोस्ट है बट लाइब्रेरी की जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट वैकेंसी है तो यहाँ पर डायरेक्ट जो आपके यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। तो जो फी है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम से आपको DD बनवा के वहाँ पे करनी होगी। इसमें 10% का रिजर्वेशन है ESS कैंडिडेट के लिए, जो भी अनरिजर्व के लिए ESS कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए एंड SC ST OBC एंड PWD के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ऐसे रिलैक्सेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट दिया गया हुआ है तो यहाँ पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर आप अच्छा से रीड कर लीजिएगा एक बार तो जिससे आपको नॉलेज होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्टेड अलोंग विथ फोटोकॉपीज, आपको एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको लास्ट में एंड आपको ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको एंड कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैंडिडेट के लिए
एंड एस एस एल सी इंटरमीडिएट डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास डिग्री है उसके लिए मार्कशीट आपको लगानी होगी एंड आपको मार्कशीट लगानी हो जाएगी जो भी आपका है एम लिब बी लिब के लिए एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपको 5 ईयर एक में रिक्वायर किया गया है। अदर में आपको यहाँ पर लाइब्रेरी के जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए उसमें एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड किया तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर से अगर देखते हैं तो डिफरेंट टाइप की अगर बुक्स जर्नल्स आपने अगर हाई को क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो एंड आपको जो डीडी और आपको डीडी के साथ अटैच करने के बाद ये जो एड्रेस दिया हुआ है द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोटिक पलाग्या मगडी मेन रोड बैंगलोर 560091 इसमें आपको सेंड करना है। और आपको जो इन्वलोप्स लेंगे इन्वलोप्स में आपको यहाँ पर टॉप में लिखना होगा सब्सक्राइबिंग ऑन द कवर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना। अगर आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंट आपको एप्लीकेशन सेंड करनी होगी और डिफरेंट फी पे करनी होगी। देन हम एक इसमें जो यहाँ पर दिखा है द इंस्टीट्यूट रिजर्व राइट टू शॉर्ट लिस्टेड द एलिजिबल कैंडिडेट टू रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द सेलेक्शन कमेटी। यहाँ पर आपको इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट हो सकता है यहाँ पर आपको। देन आपको द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सी वेबसाइट फर्दर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी जो आपका ये इंस्टीट्यूट है वहाँ की वेबसाइट से ही मिलेगी। एंड आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड इन द प्रोफेशनल एंड वेरी में भी वेरी हो सकता है आपको इंटरव्यू के टाइम पर नंबर ऑफ वैकेंसी वेरी हो सकता है। एंड आपको जो इनब्लॉप्स रहेगा इनब्लॉप्स में आपको टॉप में लिखना होगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर बोर्ड लेटर में आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिखना होगा। देन आपको यहाँ पर आपको जो भी आपको TADA यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको यहाँ पर अनेक्सा सेकंड और थर्ड डाउनलोड करके आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। अगर आप ST/OBC हैं आप जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको लिंक PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फर्स्ट में आते हैं नेक्स्ट फर्स्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया आपको फ़ोटो लगाना होगा। यहाँ पर सबसे टॉप में आपको पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना होगा। देन आपको यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट एंड सब्जेक्ट एंड देन आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कैंडिडेट नेम ब्लॉक लेटर में फादर नेम मदर नेम एंड DD डेट अमाउंट नेम ऑफ बैंक ब्रांच ये सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया तो आपको सभी को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना होगा एड्रेस में सेंड करना होगा। ये आपको एनेक्सा सेकंड में देख सकते हैं ST/ST कैंडिडेट के लिए है एंड एनेक्सा थर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर OBC के जो भी OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए एनेक्सा 3 दिया हुआ तो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। आपको जो एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस आपको एक बार मैं और दिखा देता हूँ। आपको लास्ट डेट की बात की गई है लास्ट डेट तो आपको 21 दिसंबर 2019 है एंड आपको लास्ट डेट हो जाएगी अगर इसी के हिसाब से देखते हैं तो 21 जनवरी 2020 तक आपको यहां पर आपको बाई स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना होगा। बट यहां पर मेंशन नहीं किया गया है स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।